गुड आफ्टरनून। दस बच्चा लोग एक मिनट वेट करो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बेस्ड टाइप ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन बोलो क्रिस्टला। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ऑर्डर पढ़ा था कल हम लोगों ने कि क्रिस्टलाइन होता है, एमॉर्फस होता है। yes. दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेकंड वन इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट वाला थोड़ा बता दीजिए एक बार। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जहां पे सारे बॉन्ड्स एक जैसे हो तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, एक जैसा होगा। और बॉन्ड एनर्जी एक जैसा होगा तो एक ही टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब सारे बॉन्ड एक ही जगह पे ब्रेक होंगे तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत शार्प होगा। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज करने का जरूरत नहीं है, एक टेम्परेचर पे जाके सब ब्रेक हो जाएगा। एक ही टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन रहेगा तो एक ही टेम्परेचर पर मतलब मेल्ट हो जाएगा, मतलब बहुत स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा जिसके अंदर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर होगा कि मान लो जैसे कोई बोलता है कि कोई 1610 केल्विन पे है तो वो 1610 केल्विन पे जाके वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, 1600 तक वो सॉलिड रहेगा लेकिन 1610 पे जाते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट लिखना बेस्ड ऑन
इंटरमोलिकुलर बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पीयूष कल मैंने बस दो एक चीज पढ़ाया था, कल तो मुश्किल से 10 मिनट क्लास ही हुआ था। कल मैंने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन ऑर्डर। तो मैंने बोला था दो तरीके का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है और एमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन के केस में ऑर्डर जो होता है वो पीरियोडिक होता है, और लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर मतलब थ्रू आउट द क्रिस्टल आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, लेकिन एमॉर्फस के केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उसमें बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। जो क्रिस्टलाइन होता है उसके केस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमॉर्फस के केस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट था कि एमॉर्फस के केस में क्रिस्टलाइन के केस में हम उसे बोलते थे आइसोट्रॉपिक मटेरियल, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको क्या मिलेगा, सेम प्रॉपर्टी मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप एमॉर्फस में जाओगे, क्रिस्टलाइन के केस में एनाइसोट्रॉपिक होगा, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगा। लेकिन एमॉर्फस के केस में आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में क्या मिलेगा, सेम प्रॉपर्टीज मिलेगा। बस ये 3-4 पॉइंट एक्सप्लेन किया था, उसके बाद सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अभी देखो एक मिनट, मैं स्लाइड अपलोड कर रहा हूं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब देखो, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार तरीके का क्रिस्टल मिलता है, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर। अब देखो, सब में हमें क्या याद रखना है कि पार्टिकल कौन सा है, फोर्स कौन सा है, और आयनिक मतलब कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, बस हमें ये याद रखना है। तो आयनिक क्रिस्टल जो होता है वो किससे बना होगा, आयन से बना हुआ, मतलब कटायन एंड अनायन से बना हुआ, और कटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। इसका एग्जांपल है आपका डायमंड, ग्रेफाइट, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या है, यहां पे मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके अंदर में आएगा, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो इसको हम पोलर सॉलिड बोलते हैं,
और इसमें फोर्स क्या आएगा, डाइपोल डाइपोल। इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इसमें जो फोर्स आता है वो आता है वंडरवर्ल टाइप, डिस्पर्सिव फोर्स बोलते हैं इसको। तीसरा इसमें आता है डिस्पर्सिव फोर्स का मतलब सर? डिस्पर्सिव फोर्स का मतलब होता है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई डाइपोल नहीं होता है, मास के कारण फोर्स लगता है। और दूसरा और तीसरा आपका है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इसमें आपका आ जाएगा ये डिस्पर्सिव वाले के एग्जांपल में आ जाएगा ड्राई सीओ टू टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनता है तो इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, आइस हो जाएगा। और फोर्थ वाला आपका है मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल बनता है मेटल कटायन से एंड फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो इसे जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही लिखना है? इसमें ज्यादा नहीं है, एक बार इसमें बस मैं पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि इस से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। ड्राई सीओ टू कैसा होता है, कभी पल्स पोलियो वाले का डब्बा देखा है? उसके डब्बे में देखना जो आइस होता है, आइस जैसा जो ठंडा रखता है, वो सॉलिड सॉलिड सीओ टू होता है वो। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता वहां पे फ्रीजिंग का काम वही करता है ड्राई आइस के थ्रू। ये मैं समझा रहा हूं, दूसरों में लिखा देता हूं। मेटल कटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन से बना होता है, यहां भी बॉन्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब देखो यहां पर ले जाओ इसको, इतना लिख लो सर। आयनिक मेटालिक में क्या अंतर होगा? तो आयनिक में आयंस मिलते हैं, कटायन और अनायन दोनों मिलता है। मेटालिक में अनायन नहीं मिलता, उसमें केवल फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो अनायन का काम वही करता है। आपको ये याद रखना है कि कौन से सॉलिड में कौन सा बॉन्ड बनता है और उसका एग्जांपल याद रखना, और किसमें कौन कंडक्टिंग होगा कौन कंडक्टिंग नहीं होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा, बस इतना ही याद रखना। कंपटीशन में तो इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। जे डबल ई में इसे क्वेश्चन नहीं आता, बोर्ड वाले दे देंगे सर वो सब। हाँ, बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आता है इसको लिखने के लिए, इसलिए बोला एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? बोर्ड के लिए तो बहुत जरूरी है। मतलब ये आपका नोट्स पढ़ लेंगे नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता हूँ जो एनसीईआरटी में ही है, वो कहीं पूछता उछता है नहीं, अब एनसीईआरटी में है इसलिए बोलता है एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। 99% मैं कवर कर देता हूँ, 1-2% कुछ पैराग्राफ कहीं छोड़ देता हूँ जो काम का नहीं है, जो बिल्कुल ही रट्टा वाला है। अब पूछेगा बोर्ड में तो लिखना पड़ेगा, वो तो हर चैप्टर को चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार पढ़ा करो।
हमको सर अच्छा एनसीईआरटी हाँ ये तो पढ़ना क्लास 11 में है, पहले मैं भूल गया था, पहले ये क्लास 12 में था, अभी क्लास 11 में है। सॉलिड स्टेट 11th में सर। हाँ 11 में है, पहले क्लास 12 में था। चलो देखो तो हो गया। अब देखो यहाँ पे याद ये क्या रखना है कि केवल जो मेटालिक क्रिस्टल है ये कंडक्टिंग होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये करंट को अलाउ करेगा। जो आयनिक क्रिस्टल है वो कहां पे कंडक्टिंग होगा बोलो, कंडक्टिंग मोल्टेन स्टेट और कहां पे बोलो, कंडक्टिंग इन, पढ़ा चुका हूं मैं तुम लोगों को, ये मोल्टेन और यस एक्वस फेज, नॉन कंडक्टिंग इन इन सॉलिड स्टेट। जो जो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा वही आयनिक क्रिस्टल का प्रॉपर्टी होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दो प्रॉपर्टी याद रखना है। कोवलेंट वाले में नॉन कंडक्टिंग अब इसका एक्सेप्शन रखना है क्या, एक्सेप्शन यही है ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन में कौन आएगा, डायमंड सिलिकेट्स पोलर सॉलिड नॉन पोलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, इन तीनों के लिए एक पॉइंट है, नॉन कंडक्टिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाकी इन तीनों में अगर कोई ऑर्डर बैठाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पोलर सॉलिड, उसके बाद नॉन पोलर सॉलिड और सबसे लास्ट, सॉरी नॉन पोलर लिख दिया, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, देन पोलर सॉलिड, देन नॉन बॉन्डेड सॉलिड। बार लिखो इसको, सबका ठीक है। देखो कुछ कॉमन टर्म बता रहा हूं, ये क्या हुआ भाई,
अब देखो कुछ कॉमन टर्म है जो इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, वो टर्म क्या है मैं लिख रहा हूं, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल एंड लैटिस। अब देखो सपोज ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब यहां पे ऐसा ही मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये मैंने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया। अब यहां पे मैं इन लोकेशंस पे पार्टिकल्स रख रहा हूं, बाद में देखेंगे कैसे रखते नहीं रखते। अब देखो अगर कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट को देख के बोलेगा ये क्या है, लैटिस बताता है, इसको हम बोलेंगे लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। मतलब ये क्या बता रहा है, इंडिकेट लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पे बोलता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं इसको बाहर निकाल के
अलग से आपको दिखाता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब देखो बहुत, जब लैटिस पॉइंट आपस में बनता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए सॉलिड को क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। और जब यहां पे देखो कितने सारे यूनिट सेल हैं, चार यूनिट सेल दिख रहे हैं क्या बच्चों लोग? यस सर। तो जब बहुत सारे यूनिट सेल मिलेंगे और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, जो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर बना, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, लैटिस बोलते हैं। सो कंप्लीट थ्री डी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लैटिस। तो ये तीन पॉइंट क्लियर हुआ, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट एक सिंगल लोकेशन बता रहा है, एक पार्टिकल का लोकेशन। उन पार्टिकल को आपस में कनेक्ट करने से जो स्ट्रक्चर बनेगा और जो रिपीट करेगा अपने आप को, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। रिपीट कहाँ हो रहा है? अरे ये चार बॉक्स जो आपस में है सब एक जैसे नहीं है? हाँ वो तो है। यस। तो जब यही रिपीट होगा तो आपका लैटिस बन जाएगा। मतलब जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, जो वो घर होता है, वो तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट लैटिस हो गया। और उसके अंदर में एक जो स्ट्रक्चर दिखता है वो तुम्हारा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। हमने देखो लैटिस पॉइंट है, जितने भी ये पार्टिकल दिख रहे हैं, रेड वाले जो लोकेशन दिख रहे हैं, उन लोकेशंस को बोलते हैं लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल का, जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl के क्रिस्टल में जो Na प्लस का लोकेशन बताएगा या Cl माइनस का लोकेशन बताएगा, उनको क्या बोलेंगे हम, लैटिस बोलेंगे। तो लैटिस पॉइंट वो है जिनके आपस में कनेक्ट करने से यूनिट सेल बनता है। हाँ गोला बिल्कुल सही पकड़े हो। ये जो लोकेशन है, मान लो यहां पे डाल दिया, यहां पे डाल दिया,
तो ये सब क्या है, लैटिसाइट है। ये सब लैटिस साइट। हो गया। निहारिका, अरुंधति एंड स्नेहा, स्नेहा तो है नहीं आज। अनय ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक टेबल देता हूं, ठीक है। उस टेबल में मैंने उनका कंपैरिजन डाल दिया, वो एक बार नोट डाउन कर लो कि अगर आयनिक और उसमें कोई कंपैरिजन पूछेगा तो ये वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। एक बार जरा नोट डाउन कर लो ये। जल्दी लिखना इसको। सर इसको सर एक पे छोड़ दे रहे हैं, लिख लेंगे हम लोग बाद में, स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। ठीक हेलो, ये सर हो गया। बाकी लोग का नीट में एग्जांपल्स आता है जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी, इसलिए बोला हूँ एनसीईआरटी के इस टॉपिक को पढ़ लेना, टाइप ऑफ सॉलिड वाला एग्जांपल्स जो होगा वो याद करना, कौन क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है, कौन एमोर्फस का एग्जांपल है, ये सब एग्जाम में आ जाता है। सर मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, बस नोट्स पढ़ते हैं यहाँ पर। नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी से जो मैं बोलता हूँ चीज वो पढ़ा करो, एग्जाम्पल इसका पढ़ लेना। ठीक है। लिखना यूनिट सेल पैरामीटर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, अब मेरे पास कोई यूनिट सेल है, ठीक है, और यूनिट सेल को मुझे करैक्टराइज करना है। तो यूनिट सेल को करैक्टराइज करने के लिए 6 सेल पैरामीटर्स लगते हैं, अल्फा बीटा गामा ए बी एन सी। ए बी एन सी को बोलते हैं एज लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ साइड, और अल्फा बीटा गामा हो गया इंटरफेसियल एंगल। जैसे यहां पे देखो ये जो डायरेक्शन है, तो मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूं, ये जो डायरेक्शन है रेड वाला, इसमें क्या लिखा हुआ ए, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वो बी है,
तो ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये जो हाइट बनाया हुआ है ये आपका सी है, तो ये सी है तो ये भी सी होगा। ए बी सी आपका क्या है, एज लेंथ है। अब बोलते हो ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही है, ये लेंथ विथ एंड हाइट, तो ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ। और अल्फा बीटा गामा क्या है, तो मैं ऐसा याद करने को समझा देता हूं। देखो अल्फा जो है वो ए जैसा है, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अब ए है मतलब बी एंड सी, बीटा किसके जैसा है, बी जैसा है, सो इट इज एंगल बिटवीन ए एंड सी। गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जैसे यहां देखो ये ए और बी के बीच में जो एंगल बना, ये कौन किसके बीच में एंगल बना हुआ है, ए बी, ए बी, तो ए बी के बीच का एंगल कौन सा है, गामा, तो गामा लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में है तो बीटा है, और ये वाला बी और सी के बीच में है तो क्या है, अल्फा है। तो इन सिक्स सेल पैरामीटर से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। नोट डाउन कर लो। हो गया, तो यूनिट सेल पैरामीटर से क्या करेंगे हम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन करते हैं। इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्यों रिमूव हटा दिए सर पूरा, जल्दी लिखो।
हो गया सर। इसलिए टाइप ऑफ यूनिट सेल। बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंपल और प्रिमिटिव। अब ये कोई यूनिट सेल है। अब इसमें अगर पार्टिकल केवल कॉर्नर पे मिले तो इसको बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव। एयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर। देखो तो यहां पे पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे भी है और बॉडी सेंटर पे भी है। ये क्या था डायरेक्शन? कॉर्नर। यहाँ पे ये कॉर्नर पे भी है
इसको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। हो गया सर। हो गया ठीक जो थर्ड वन है वो है स्पेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या है, फेस सेंटर्ड में यहां पे कॉर्नर तो यहां भी है, बट कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पे भी है। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट
एट कॉर्डिनेट एज वेल एज फेस सेंटर। ये आपका फेस सेंटर है, ये आपका कॉर्नर। फोर्थ वन इज एंड सेंटर। अब देखो यहां पे कॉर्नर पे पार्टिकल, देखो कॉर्नर के बिना तो कोई भी यूनिट सेल नहीं बनेगा, बट यहां पे कॉर्नर के अलावा दो अपोजिट फेस जो कि सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो यहां पे मिलता है। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट टू अपोजिट फेस ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट एक्सेस कर लो, टू अपोजिट फेस ऑफ लॉन्गेस्ट एक्सेस। ये जो है आपका एक ही एक्सिस ये होगा, एक एक्सिस ये होगा, और एक एक्सिस ये होगा। ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट एक्सिस। तो दो ही फेस सेंटर है और दोनों फेस सेंटर कौन से होने चाहिए, लॉन्गेस्ट एक्सिस वाले होने चाहिए। सर फिर से बोल बताइए, नहीं समझ में। कितने एक्सिस होंगे यहाँ पे, कितने फेसेज हैं? सपोज मान लो जिस कमरे में तू बैठा उसमें छह दीवारें ही नहीं है, चार दीवार, चार दीवार है, जिसपे बैठा हुआ है वो दीवार नहीं है, छत भी तो दीवार है एक। यस सर। तो छह है, अब उसमें से कौन सा फेस है जो सबसे लंबा है? डायगोनल नहीं, कौन सा फेस, दो अपोजिट फेस देख जो सबसे लंबा हो, उन दोनों फेस सेंटर पे के बी, उन दोनों फेस के सेंटर में एटम डाल दो या पार्टिकल डाल दो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे हम एंड सेंटर। यस सर। तो यहां भी एक फेस हो सकता था, यहां भी एक फेस हो सकता था, बट ये फेस लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट कौन सा है, जहां पे हमने यह पार्टिकल रखा है, ये वाला डिस्टेंस जो है सबसे मैक्सिमम है।
हो गया। यस सर। नेक्स्ट वन इज 14 ब्रेविस सिस्टम। अब देखो बेस्ड ऑन ए बी सी अल्फा बीटा गामा सेवन टाइप क्रिस्टल सिस्टम बनता है, ठीक है। और यूनिट सेल कितने तरीके का है बोलो, फोर टाइप का है। यस सर। तो ब्रेविस साइंटिस्ट का नेम था, उसने मैथमेटिकल उसने मैथमेटिकली ये बताया कि इन सब का कॉम्बिनेशन क्रिस्टल सिस्टम का सेवन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम और फोर टाइप के यूनिट सेल को अगर हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो 14 डिफरेंट सिस्टम बनेगा, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फोर्टीन डिफरेंट सिस्टम बनता है और इसको बोलते हैं 14 ब्रेविस सिस्टम। हमें उसमें एक सिस्टम पढ़ना है क्यूबिक, और क्यूबिक का टाइप मतलब सात तरीके का क्रिस्टल सिस्टम है और उसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल का पॉसिबिलिटी है, तो उसके बेसिस पे 14 टाइप बनता है। अब 7 × 2 नहीं है, किसी में चार भी मिलेगा किसी में एक भी मिलेगा, और वो क्या मिलता है क्या 14 कैसे होगा बता रहा हूं मैं। पहला है तुम्हारा क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। तो ये सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। अब वो कैसे हैं तो देख ले, यहां पे उन सब का रिलेशन दिया हुआ है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। तो कभी कभार इस टेबल से क्वेश्चन भी आ जाता है, और उसके अंदर कितने यूनिट सेल मिल रहे हैं। तो ये रहा ब्रेविस सिस्टम। देख क्यूबिक के अंदर में प्रिमिटिव का मतलब है सिंपल, फेस सेंटर बॉडी सेंटर तीन मिलता है। टेट्रागोनल के अंदर में दो मिलता है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। रोम्बोहेड्रल के अंदर में प्रिमिटिव एक ही मिलता है, प्रिमिटिव का मतलब सिंपल। ऑर्थोरोम्बिक के केस में प्रिमिटिव भी मिलता है, फेस भी मिलता है, बॉडी भी मिलता है और एंड सेंटर भी मिलता है। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव और एंड सेंटेंट मिलता है। ट्राइक्लिनिक ओनली प्रिमिटिव, हेक्सागोनल ओनली प्रिमिटिव। तो इन सबको ऐड कर लो, 3 + 2 + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 सबको ऐड करो तो टोटल कितना मिलेगा 14। इसी को 14 ब्रेविस सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें याद कैसे करना है, क्यूबिक को याद कर लो, सबसे ये मोस्ट सिमेट्रिक होता है, सब इसमें बराबर है, ठीक है, और सारे एंगल इसमें 90 डिग्री है। और जो ट्राइक्लिनिक है वो मोस्ट एसिमेट्रिक है, ये दो तो कम से कम याद रखना ही है, तीन याद रखना आपको, क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। इन तीन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हेक्सागोनल के केस में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90, गामा 120 होता है। तो मोस्ट सिमेट्रिक, मोस्ट एसिमेट्रिक और हेक्सागोनल, ये आपको याद रखना है, और सबका मिला के मिलता है 14। जरा टेबल लिख लो, ये काम का टेबल है। और क्यूबिक का कंडीशन याद रखना, मिनिमम तो ये याद रखना ही है, इसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। सर लिख लिए, मतलब इसको लिख लेंगे सर, स्क्रीनशॉट ले ली। बाकी लोग का भी हो गया,
ठीक है। लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, देखो इफेक्टिव नंबर का नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल बनाने में एवरेज कितना एटम लगता है इसी को हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बोलते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब इसका मतलब क्या है मैं ऐसे समझाता हूं, अगर मुझे एक सिंगल रूम बनाना है कितना वॉल कितना कितने फेस क्रिएट करने पड़ेंगे, बोलो बच्चे लोग। छः, बिल्कुल सही। तो मान लो मैंने ये पहला रूम क्रिएट किया, मुझे छः फेस बनाने पड़ गए, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में एक दूसरा फेस बनाते हैं, अब बताओ इसमें कितना मुझे बनाना पड़ा। इस रूम को बनाने में कितना वॉल बनाना पड़ा मुझे, पांच। तो जब मैंने फर्स्ट बनाया था तो मुझे सिक्स लगा था, फर्स्ट रूम बनाया तो मुझे सिक्स वॉल लगा। सेकेंड रूम बनाने में मुझे कितना लगा, फाइव लगा। तो पहले का एवरेज वन था, अब इसके बनने के बाद एवरेज कितना हो गया, 5.5 हो गया। यस सर। अब सोचो यहां पे मैं एक कमरा और बनाता हूं, अब बताओ कितना कमरा बनाना पड़ा मुझे, सॉरी कितना वॉल बनाना पड़ा मुझे, पांच। पांच और, मतलब आफ्टर थ्री थ्री रूम मुझे टोटल बनाने पड़े कितने, 16/3, मतलब 5.3 पे आ गया, ठीक है। अब एक रूम यहाँ पे और बना दो, अब बताओ इस रूम को बनाने में कितना फेस यूज करना पड़ा। चार। अरे ये ऑलरेडी तो बना ही हुआ है, चार। यस ये वाला
तो ऑलरेडी बना हुआ है, इवन ये वाला भी फेस बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा क्या बनाना पड़ा, चार। तो फोर्थ रूम बनाने के बाद यहां पे हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे एवरेज क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा? यस सर, कम होगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ये बताता है कि अगर आपने बहुत एन नंबर ऑफ यूनिट सेल बना लिए और आपस में कनेक्ट कर लिए, तो एक पार्टिकल, एक यूनिट सेल बनाने में कितना एवरेज कॉस्ट आएगा, मतलब कितना पार्टिकल आएगा। अब उसके लिए क्या पता होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पार्टिकल कितने यूनिट सेल में, जैसे मान लो आपका किसी भी रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है। अब ये बताओ एक कॉर्नर कितने रूम में जा सकता है, क्या सर? मैं यहां पर दिखाता हूं एक और, सर ये रूम वन में जो 6-1 है, ये वन क्या है? ये फर्स्ट रूम बनाया था, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे एवरेज 6 हो गया। यस सर, वही है। आठ कमरा दिख रहा है, पीयूष आठ कमरा दिख रहा है। अब चलो मैं यहां पे ये वाला लोकेशन बताता हूं, ये बीच वाला है, ये वाला बताओ ये कितने यूनिट सेल में शेयर्ड है, बोलो सर? मतलब 8 क्यूब है तो सर 48 हो जाएगा ना। कितने रूम में शेयर्ड है ये, उतना ही होगा, एक कॉर्नर जो है, ये वाला जो कॉर्नर है दो रूम में। अबे क्या बोल रहे हो, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल है, ये तीसरा यूनिट सेल है, चार यूनिट सेल तो उसी वाले फ्लोर में है, दिख रहा है, और चार उसके ऊपर यूनिट सेल है। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल डायग्राम दिखाता हूं, अब देखो
ये दिख रहा है, यस सर। तो अगर मैं इस लाइन को यहां से कनेक्ट कर दूं, हो गया 8 यूनिट से, तो यस सर। ये वाला जो लोकेशन है वो कितने रूम में शेयर दिखाई दे रहा है, सारे रूम 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम में ये कॉर्नर शेयर्ड है। Yes, मतलब जब भी कोई एक कॉर्नर की बात करेंगे तो एक कॉर्नर कितने रूम में शेयर्ड होगा, एट। तो यहाँ पे कितना यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल है, तो इच कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल। समझ में आया? अरे बच्चा लोग समझ में आया? यस सर। तो यहां पे लिखो इच कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन, इच कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल। दैट इज इच कॉर्नर कंट्रीब्यूट, बोलो एक पार्टिकल को 8 सेल में डिवाइड कर दिया तो एक सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वन बाई एट। तो जब भी कोई बोलेगा कॉर्नर तो कॉर्नर का मतलब है 1/8 कंट्रीब्यूशन है। हो गया सर, वन मिनट। इसको मत लिखना है, ये बस मैंने सीखने के लिए लिखा था। अच्छा ये बताओ एक जो वॉल होता है वो कितने रूम में शेयर्ड होगा, एक जो दीवार है आपके घर का आपके कमरे का वो कितने रूम में शेयर्ड होगा, दो रूम। तो अगर इस दीवार के सेंटर पे, दीवार के सेंटर पे मान लो जैसे मतलब ये एक फेस है या ये एक फेस है या यहाँ पे एक फेस है या इस यहाँ पे एक, देख लो डायग्राम, ये देख लो ये एक फेस है, ये ब्लैक वाला जो दिखा रहा है इसको मैं ब्लू वाला कर देता हूँ, ये वाला ये एक फेस है और ये एक यूनिट सेल है और ये एक यूनिट सेल है, तो इन दो के बीच में अगर कोई पार्टिकल आया मतलब ये कौन सा लोकेशन है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर है, तो जो भी फेस सेंटर पे आएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ का, क्यों, बिकॉज ये दो यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड है। समझ में आया? Yes, sir. जितने यूनिट सेल में आप शेयर्ड हो गए उतने से डिवाइड कर दो 1 का, उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा आपका।
तो कॉर्नर 8 में डिवाइड शेयर था तो 8 से डिवाइड किया तो 1/8 हुआ, फेस 2 में शेयर था तो 2 से डिवाइड किया तो हाफ हुआ। क्लियर है? यस सर। क्या लिखेंगे? इच कॉर्नर इच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट कॉर्नर तो हो गया। इच फेस सेंटर कंट्रीब्यूट बाय ए फैक्टर ऑफ, बोलो कंट्रीब्यूट बाय ए फैक्टर ऑफ, हाँ फिर हाँ अब बात करते हैं बॉडी सेंटर। बताओ बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ? रूम के अंदर में बीच में। अब बताओ एक रूम के अंदर में तुम वहां पे बैठे हुए हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन किसी और रूम में है? क्या मतलब सर? अगर रूम में कोई एक ऑब्जेक्ट है, रूम में बेड है, टेबल है, तुम हो, नहीं किसी दूसरे रूम से शेयर्ड होगा क्या? नहीं होगा। नहीं भाई, मतलब जो भी बॉडी सेंटर पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? एक ही यूनिट सेल में है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? वन वन। इच बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूट बाय ए फैक्टर ऑफ वन। हो गया सर। हो गया। तो चलो हम यहाँ पे क्या निकालने आए थे? एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो अब टाइप ऑफ यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जेड कैलकुलेट करते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक Z इज इक्वल टू, अभी बताओ पार्टिकल कहां कहां पे मिलेगा क्यूबिक के लिए? बोलो और सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कहां कहां पे था? अभी लिखा रहा था पहले। ये सर कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितना कॉर्नर है? वो एक रूम में, एक यूनिट सेल में कितना कॉर्नर होता है? अरे एक रूम में कितना कॉर्नर होता है? अरे यहां देख ले भाई, यहां देख, बताओ एक रूम में कितना कॉर्नर है? 8 है। यस सर। फेस कितना होता है? 6 सर। एक ये पॉइंट पर नोट डाउन कर लो, तुम लिख लो। तो
लिख लिया, ये लोकेशन है और कितने लोकेशन होते वो बताया गया। नो सर एक मिनट और रुकिए, अब ये समझ सकते हो तो समझ लो, बट इसको माइंड में बैठा हो, ये नंबर जरूरी हो, जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। हो गया सर, हो गया। एज 12 कैसे? चलो यही दिखा देता हूं, 1 2 3 4 दिखा, 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो ये पे दिखा भी देता हूं, कॉर्नर कौन कौन सा है? कॉर्नर ये फेस बोला है, एक फेस तो ये है, अब सामने वाला पीछे वाला आमने सामने है, 6 फेस दिखा, एजेस 12 दिखा, बॉडी सेंटर कहां पे है? ये रहा यहां पे, बॉडी के बीच में, क्यूब डायगोनल। तो डायगोनल कैसे बनेगा? देखो एक यहां से यहां, यहां से यहां एक डायगोनल बना, यहां से यहां एक डायगोनल बना, यहां से यहां एक डायगोनल बना, और फिर यहां से यहां एक डायगोनल बना। टोटल कितना बना? 8 कॉर्नर था ना? यस सर। दो अपोजिट कॉर्नर को पकड़ लो, 4 कॉर्नर, 4 4 डायगोनल बन जाएंगे। अच्छा फेस कितना था? एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर होगा, फेस 6 था। अब देखो मान लो यहां पे ये एक फेस है, तो यहां पे ये जो डायग्राम हुआ क्या हो गया? फेस डायगोनल हो गया। अगर ये स्ट्रक्चर फेस है अगर ये स्ट्रक्चर फेस है तो ये दोनों क्या है? फेस डायगोनल। समझ में आया? तो फॉर सिंपल क्यूबिक हमें जेड कैलकुलेट करना है।
जेड इज इक्वल टू कॉर्नर एट हो गया, कंट्रीब्यूशन वन बाई एट हो गया, मतलब कितना आएगा वन। कॉर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहां कहां पे पार्टिकल है, तो कॉर्नर पे है तो 8 इंटू वन बाई एट, और फेस सेंटर, फेस सेंटर कितना है 6 है, तो 6 इंटू हाफ मतलब यहां पे कितना आएगा 4। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अब देखो 8 तो कॉर्नर हो गया और बॉडी सेंटर वन हो गया, तो वन इंटू वन कितना आ जाएगा टू। समझ में आया? ये सब समझ में आ रहा है, तो आज इतना ही है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या रिपीट करूं प्रवीण? एफ सेंटर में पार्टिकल कहां कहां मिलता है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। कॉर्नर कितना होता है 8, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 बाई 8, और फेस सेंटर होता है 6, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 6 3, 8 इंटू 1 बाई 8 कितना हुआ 1, तो कितना मिलेगा आपको ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय।